नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉल इंडिया। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से विधायक मोहम्मद आजम खान ने अपनी सुरक्षा में तैनात यूपी पुलिस के गनर वापस लौटा दिए हैं। जी हां, उनकी सुरक्षा में यूपी पुलिस के 3 गनर तैनात थे, जिनको उन्होंने वापस कर दिया है। इतना ही नहीं, आजम खान के बेटे और विधायक अब्दुल्ला आजम भी सुरक्षा में मिले एक गनर को बिना जानकारी दिए लापता हो गए। ऐसे में सुरक्षा में लगे सभी पुलिसकर्मी वापस रामपुर आ गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दानिश। दानिश, क्या है पूरा मामला? मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं आजम खान, और सरकार से मुझे लगता है काफी ज्यादा वो पीड़ित हो गए हैं। बाकी हालांकि उनके पास जो सुरक्षा में 3 गनर लगे हुए थे, उन्होंने उन गनर से केवल इस बात को लेकर के वापस भेज दिया है कि अब आपकी जरूरत मुझे नहीं है, वापस आप रामपुर चले जाए। जब बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी अपने गनर वापस कर दिए, जब ये तीनों गनर यानी कि जो सुरक्षा में तैनात थे आजम खान साहब और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर, तो तीनों गनर जब वापस आ जाते हैं आपके रामपुर में, तब वहां पर इस बात को लेकर के हड़कंप मचता है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आजम खान ने केवल अपने गनर से इतना ही कहा कि आप मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है तो वापस जा सकते हो। हालांकि कुछ लोग इसको ये भी बता रहे हैं कि सरकार से शायद नाराजगी की वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया है, और शायद ये मैसेज देने की कोशिश किया है कि जब आप हमारी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते, आप हमको शायद परेशान कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, तो फिर हमें सुरक्षा देने की क्या जरूरत है। हालांकि इसमें जो अतिरिक्त एडिशनल एसपी हैं संसार सिंह, उनका ये कहना है कि आजम खान की सुरक्षा वाइस रेडी की है और उन्होंने जो है सुरक्षा गनर क्यों वापस कर दिए हैं ये अभी संशय बना हुआ है, और बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी गनर वापस कर दिए हैं। हालांकि अभी उनका पता नहीं चल पा रहा है, उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अखिलेश यादव का 2 दिन पहले विधानसभा सत्र से वॉकआउट करना और पैदल धरना प्रदर्शन करना, महंगाई बेरोजगारी मुद्दे पे हल्ला बोल करना, और आज सत्र जैसे ही खत्म होता है और आज के आजम खान साहब का सुरक्षा वापस करना कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार से नाराजगी जाहिर कर रहा है, और शायद ये पॉलिटिकल का नया दांव है जो आजम खान साहब ने बखूबी खेला है। मुझे लगता है कि इस मामले पे शायद अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन केवल इतनी जानकारी मिली है कि रामपुर के जो अतिरिक्त एसपी हैं संसार सिंह, उनका ये कहना है कि आजम खान साहब ने अपने 3 करोड़ों से अपनी सुरक्षा को वापस भेजा है। जब गनर उनके पास वापस रामपुर आए हैं तब उन्हें इस बात की जानकारी हुई है। हालांकि कुछ लोगों का मानना यह भी है कि वो दिल्ली में अपना इलाज करा रहे हैं, जिसको लेकर के उन्होंने वापस किया है। लेकिन बेटे अब्दुल्ला आजम खान का फोन का स्विच ऑफ होना और उनकी सुरक्षा को वापस कर देना, इस पे सवाल खड़े कर रहा है। सवाल कई हैं, उन सवालों के बेहतर जवाब या तो आजम खान साहब खुद दे सकते हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान साहब दे सकते हैं, या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी दे सकता है। लेकिन गनर का वापस करना कहीं ना कहीं आजम खान साहब की नाराजगी पर सवाल खड़े कर रहा है, जो सरकार पर भी सवाल है। जी दानिश, पुलिस का कहना है कि 23 सितंबर को आजम खान दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में थे, जहां से वो गायब हो जाते हैं और इसकी भनक तक किसी को नहीं लगती है। क्या अस्पताल में कैमरे नहीं थे? क्योंकि विधायक का इस तरह से गायब हो जाना कोई मामूली बात नहीं है, यहां किसकी लापरवाही हो सकती है? देखिए, इसमें अभी जो एक्शन और रिएक्शन में जो सेशन चल रहा है उस पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। मैं बता रहा हूँ कि जो रामपुर के एसपी हैं संसार सिंह, उनका सिर्फ इतने ही स्टेटमेंट में ये कहना है, मैं कह सकता हूँ उनका रिएक्शन अभी आया है, वो भी कैमरे पर नहीं आया बल्कि फोन पर ही वो रिएक्शन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे इस बारे में अभी जानकारी नहीं, हाँ ये पता है कि जो सुरक्षा में गनर तैनात थे उनकी वापसी रामपुर में हुई है, और उन गनर से मुझे पता चला है कि आजम खान साहब ने केवल इतना कह करके उन सुरक्षा में लगे गनर को वापस कर दिया है कि मुझे अब आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन बेटे अब्दुल्ला आजम खान साहब ने सुरक्षा क्यों वापस की, वो कहाँ है, उनका फोन क्यों स्विच ऑफ है, कारण क्या है, इस बात का अब तक खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन मुझे लगता है कि आजम खान साहब सियासी बहुत बड़े सियासी माहिर एक नेता माने जाते हैं और वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के हैं और मुस्लिम चेहरा माना जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार की इनके ऊपर एक के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है, मुझे लगता है उन्होंने एक ऐसा करारा जवाब दिया है शायद सरकार को कि सरकार को एक मैसेज पहुंचाया है कि जब आप सुरक्षा दे रहे हैं तो हम पर कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही। एक मैसेज ये भी हो सकता है, 3 दिन पहले अखिलेश यादव का सदन से वॉकआउट होना, बेरोजगारी महंगाई प्रदर्शन करना और आजम खान साहब का सुरक्षा वापस करना, सरकार की तानाशाही और उनके सवाल उनके कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। ये बहुत जरूरी है जानना सरकार के लिए भी और विपक्ष के लिए। हालांकि इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का अब तक स्टेटमेंट नहीं आया, समाजवादी पार्टी का भी स्टेटमेंट नहीं आया है,
केवल वहां के एएसपी का स्टेटमेंट आया है, वो भी ऑफ कैमरा उनका स्टेटमेंट है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, केवल इतनी जानकारी मिली है कि सुरक्षा गनर को वापस इस बात पर कर दिया गया है। आजम खान साहब ने कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं है। रुख करते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर ये है कि लखीमपुर खीरी में चकबंदी विभाग के नोटिस जारी करने पर बीजेपी विधायक रोमी साहनी भड़क गए। दरअसल चकबंदी विभाग ने एक नोटिस जारी करते हुए गांव की जमीनों को खाली करने का आदेश दिया था, जिसके बाद ग्रामीण भड़क गए और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। मामले को देखते हुए लखीमपुर खीरी के विधायक रोमी साहनी ने चकबंदी विभाग को फोन किया, जिसके बाद कर्मचारी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये मामला जो है वो वन विभाग का है। अब इसके बाद कर्मचारी पर जो है वो विधायक भड़क गए और कहने लगे कि बंद करवाइए। जब कर्मचारी ने कहा कि सर ये तो ऊपर से ऑर्डर है, तो विधायक जी ने कर्मचारी को लताड़ते हुए कहा कि ऊपर वालों को समझाइए। हेलो हेलो, आप गुप्ता जी बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं रोमी साहनी विधायक पलिया बोल रहा हूँ। अरे सर नमस्ते। नमस्ते भैया, ये क्या आफत आपने कर दी, पूरे गांव-गांव नोटिस भेज रहे हैं कि जमीनें खाली करो और लोग योगी जी और भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये क्या मतलब है भैया? 100-100 साल से आदमियों के ये देखिए वन विभाग का मामला है, गांव 50 साल से चकबंदी में है। हाँ। और वन विभाग ने अपनी जमीनों को चेकआउट करने की आपत्ति डाली है। हाँ। चकबंदी में। हाँ। उसी पे सुनवाई चल रही है। नहीं नहीं, ये गलत बात है, इसको कराइए। मेरी सरकार के खिलाफ और योगी जी के खिलाफ षड्यंत्र करके ये सब हो रहा है। सर, ये गलत बात है गुप्ता जी। ऊपर से सर निर्देश है। नहीं नहीं, ऊपर से निर्देश, ऊपर वालों को समझाइए। मैं बैठ समझाइए, हम तो बहुत छोटे अधिकारी हैं। तो आप हमें उनका नंबर दीजिए। ये क्या तरीका है, आप गाँव वालों को धमका रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, 100 साल से जो गरीब आदमी रह रहा है और पूरी सरकार के खिलाफ मैसेज जा रहा है, मैं क्या जवाब दूं लोगों को? एसओसी साहब से कहिए मुझसे बात करें। और ये नोटिस अब अगर जारी हुआ तो भाई ठीक नहीं होगा, मेरी सरकार की योगी जी की बदनामी हुई तो अच्छी बात नहीं होगी, ये मैं बता दे रहा हूं। आज तुम हाई कोर्ट जा रहा हूं। आप जाइए उनसे कहिए मुझसे बात करें, किस आधार पे उन्होंने नोटिस भेज दिया। जो जंगलात वाले कहेंगे भाई होगा, ये गरीब आदमियों को मार डालेंगे सब लोग। आप सर एसओसी साहब से बात, उनसे कहिए मुझसे बात करें, और नोटिस अब की नहीं आना चाहिए कोई। हाँ, ये गरीब आदमियों को मार डालेंगे क्या? मैं कल आपसे बात कराऊंगा, मैं कल पहुंचूंगा। इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।